मामा क्या मैं भी आपकी जैसे शादी कर सकती हूँ? नहीं निशी, तुम अभी बहुत छोटी हो, जब बड़ी हो जाना तब शादी करना। हाँ ब्यूटी स्टैंडर्ड चेंज हो गया है निशी, जल्दी से स्माइल करो। बेटा अगर तुम स्माइल नहीं करोगे तो बिना टिकट के तुम भगवान जी के पास चले जाओगे, इसलिए जल्दी से स्माइल करो। हाँ निशी वेरी गुड, अब ऐसे ही स्माइल करते रहना। मामा क्या मैं अब हंसना बंद कर सकती हूँ? मुझे दर्द हो रहा है। नहीं निशी, जब तक ये चेंज नहीं हो जाता तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। पर मामा मुझे ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट होने की क्या जरूरत है, मैं तो भी बच्ची हूँ। निशी एक काम करो, अपने दोनों फिंगर के हेल्प से स्माइल करने की कोशिश करो। हाँ ओ नो, मुझे जल्दी से अपने लिप को लिप बड़े करने पड़ेंगे। पर मेरे लिप्स तो ऑलरेडी बड़े हैं। हाँ अब ठीक है। वाओ निशी तुम्हारे बिग लिप्स तो काफी अच्छे हैं। थैंक यू। हाँ व्हाट द हेक, अब बिल्कुल भी लिप्स बड़े नहीं है। हाँ रिया तुम्हारे लिप्स अभी तक इतने बड़े क्यों हैं? ब्यूटी स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, तुम्हें अपने लिप्स को छोटे करने होंगे। ये लो कंसीलर और अपने लिप्स को छोटे कर लो। लगता है कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं है। नहीं मेरे लिप्स इतने बड़े नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ मेकअप किया है। अच्छा तो प्रूफ करो, वरना मैं प्रूफ कैसे करूं, मैं नहीं कर सकती हूं। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे हाथ में भी कंसीलर देखा नहीं, था। नहीं मेरे पास कोई कंसीलर नहीं है। ये लो और इससे अपने लिप्स को साफ करो और प्रूफ करो कि तुम्हारे होंठ पे कोई कंसीलर नहीं है। चलो अब हमें दिखाओ। तुम जा सकती हो, तुम्हारे लिप्स तो पहले से ही पतले हैं, तुम्हें कोई कंसीलर की जरूरत ही नहीं है। हाँ ब्यूटी स्टैंडर्ड फिर से चेंज हो गया। थैंक गॉड कि मेरे पास ये बैंड्स रखा हुआ था। अब ठीक है। राहुल तुम अकेले कोने में बैठ के ये क्या कर रहे हो? निशी धीरे बोलो, मैं नहीं चाहता कि पुलिस मुझे ढूंढे और मुझे ढूंढ के मार दे क्योंकि मेरे पास बैंड्स नहीं है ना। राहुल तुम चिंता मत करो, तुम इधर आओ मैं तुम्हारे बैंड्स निकाल देती हूँ। ओह तो लगता है राहुल ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं है। निशी तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी गलती। राहुल नो स्टूडेंट्स, ब्यूटी स्टैंडर्ड फिर से चेंज हो गया। तुम सबको पता है ना कि तुम सबको क्या करना है? हाँ ब्यूटी स्टैंडर्ड फिर से चेंज हो गया। हाँ वेट अ सेकेंड, बीइंग यंग इसका मतलब हमारे मॉम डैड, हमारे दादा दादी, हमारे टीचर, उनका क्या होगा? मुझे अभी इसी वक्त अपनी मॉम को कॉल करना होगा। हेलो मॉम, चाहे कुछ भी हो जाए आप घर से बाहर मत निकलना आज। हाँ निशी तुम भी अपना ध्यान रखना। आई लव यू निशी। हाँ आई लव यू टू मॉम। लगता है एक बूढ़ी औरत मिल ही गई। नो वे, मैं सिर्फ अभी 18 साल की हूँ। और मैं कैसे मान लूँ? ये लो मेरा आईडी कार्ड। हो तो तुम 18 की लेकिन लगती हो 40 की, तो इसमें मेरी क्या गलती है? निशी जल्दी से क्लास में आओ। हाँ उर्फी मैम आप ऐसे बाहर क्यों घूम रही हैं? आपको पता है ना कि ब्यूटी स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। अरे हाँ निशी एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ नो आईज, एक मिनट ये लो, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। हाँ पर मैं इससे क्या करूँगी? तुम्हें पता है निशी तुम्हें ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट होने के लिए इससे क्या करना होगा। अब चलो जल्दी से करो। हाँ हाँ पहले आप मुझे करके दिखाओ फिर मैं करूँगी। नहीं पहले तुम करो, और अगर तुम नहीं करोगी तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। मैम प्लीज प्लीज यहाँ आओ जल्दी। आउच मैं कहाँ जा रही हूँ? हाँ स्नेहा स्नेहा तुम्हारी आँखें कहाँ है? ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट होने के लिए मैंने अपनी आँखें निकाल ली। स्नेहा ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना कि ये करने से हम सुंदर नहीं बनते, ये तो हमें बस एक कंट्रोल करने का तरीका है। हाँ इसी पर मैं क्या करूँ, मैंने तो अब कर लिया। हाँ मॉम मॉम प्लीज फोन उठाओ प्लीज। हाँ एक काम कर देती हूँ, मॉम को मैसेज कर देती हूँ। मॉम ब्यूटी स्टैंडर्ड चेंज हो गया इसलिए मैं आपको मैसेज कर रही हूँ। मैंने ओल्ड वुमेन का गेटअप तो ले लिया है पर मुझे डर है कि मैं शायद पकड़ी जाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज आप अपना ध्यान रखना। आई लव यू सो मच मॉम। निशी कर दिया मैसेज, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम अब तुमसे दोबारा कभी मिल पाएंगी? मैम ये ब्यूटी स्टैंडर्ड तो हद से ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। हाँ निशी मुझे पता है क्योंकि ये सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड को मैंने ही बनाया है और मैं ही इसे कंट्रोल कर रही हूँ। मैम आपको पता भी है आपने क्या किया है, आपकी वजह से कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग हर्ट हुए हैं। अच्छा और मेरा क्या, जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है उसका क्या? क्या मतलब? तुम्हें जानना है ना कि मैंने ये सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड क्यों बनाया है? तो सुनो, मैं जब छोटी थी तो मैं किसी भी ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो पाती थी जिसकी वजह से सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। ना तो मेरे पास सिल्की हेयर थी, ना ही मेरे स्किन क्लियर थे और ना ही मेरे पास सुंदर आंखें थी। तुम्हें पता है आज तक मेरे एक भी दोस्त नहीं बन पाए क्योंकि जो भी मुझसे मिलता था मेरा मजाक ही उड़ाता था। तो बस मैंने सोच लिया था कि मैं इसका बदला सबसे जरूर लूंगी। फिर मैं जब बड़ी हुई तो गवर्नमेंट के साथ काम करने लगी और उसी वक्त उन्हें एक नया तरीका चाहिए था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। और फिर मैंने उन्हें आइडिया दिया, ब्यूटी स्टैंडर्ड हमेशा चेंज होते रहता है इसलिए हर कोई उसमें फिट नहीं हो पाता है। तो बस ऐसे मेरा बदला पूरा हो रहा है और ब्यूटी का कोई मतलब ही नहीं बचा है अब। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा यंग लग रहा है। उर्फी मैम क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यंग हूँ? एक मिनट, मैम ने ये सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड को बनाया तो फिर मैम अपने आप को इन सब चीजों से सेफ नहीं कर सकती? देखो ब्यूटी स्टैंडर्ड चेंज हो गया।
हे तुम भूतनी बनकर क्यूट लग रही हो। थैंक्स। एक मिनट, क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो? उर्फी मैम हाय। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कुछ नहीं, मुझे बस ये कहना था कि वो लोग पागल थे जो आपको सुंदर नहीं समझते थे। मुझे तो लगता है कि आप सबसे ज्यादा सुंदर हो। निशी, तुम्हें सच में लगता है कि मैं सुंदर हूँ? हाँ, पर मैं एक और बात बताऊँ मैम, मुझे ना आपकी रियल ब्यूटी देखनी है। मतलब आप बिना मेकअप के कैसे लगते हो? और ट्रस्ट में, मुझे पता है कि आप उस टाइम पे बहुत सुंदर लगोगे। निशी, क्या तुम सच में सच बोल रही हो? हाँ, ये लो मैम, आप इससे अपना मेकअप साफ करो प्लीज। निशी देखो क्या मैं सुंदर लग रही हूँ। वाह मैम, आप तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो। यहाँ पे कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो रहा है। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था। मैं भी इस औरत से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तो अब तुम इस ब्यूटी गेम के नेक्स्ट इंचार्ज हो, तो अब नेक्स्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? मुझे पता है मुझे क्या करना है। एवरीवन इज ब्यूटीफुल। वाओ।